प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में यूपी में उत्तर प्रदेश में हुआ था और वे 1930 ईस्वी में धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म बन गए और वे जब श्रीलंका गए तो वो अपने नाम के अंत में सांकृत्यायन शब्द जोड़ लिए और बौद्ध धर्म के जानकारी के लिए या उसके जानने के लिए वे तिब्बत के यात्रा किए और यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखे। जब वे यात्रा करने के लिए तिब्बत जा रहे थे तो अपने बौद्ध भिक्षुक सुमति को लेने का निश्चय किया। उस समय भारत गुलाम था और उस समय भारतीयों को वहाँ जाने के लिए मना था, भारतीय नहीं जा सकते थे। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जिस चीज़ को सोच लेते थे, जिस काम करने के लिए सोच लेते थे, वे उस काम के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाते थे, चाहे जैसे भी हो उस काम को करने में लग जाते थे। वे दोनों छेदम भेष धारण किए, छेदम भेष बने जो वास्तविक रूप रहता है उस रूप में परिवर्तन कर देना छेदम रूप कहलाता है, अर्थात वे भिखमंगे का रूप बना लिया दोनों और नेपाल के रास्ते तिब्बत के लिए निकल पड़े। यह रास्ता व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक भी था, अर्थात उस रास्ते से व्यापारिक लोग जाते थे और सैनिक लोग भी अधिकतर जाते थे। काफ़ी समय पहले चीनी सैनिक छावनी बना करके रहते थे, किले बना करके रहते थे, माने सैनिक किले थे, लेकिन अब सैनिक वहाँ नहीं रहते हैं, तिब्बती लोग उसी छावनी में तिब्बती लोग अपना घर बना करके रहने लगे। तिब्बत का समाज उस समय खुले विचार वाले थे, मतलब उस समय वहाँ न तो पर्दा प्रथा था, न तो जाति प्रथा और न तो छुआछूत की भावना थी। इस तरह का वहाँ का समाज था। दोनों मित्र जाने के क्रम में एक घर में चाय पीने के लिए रुक गए। तिब्बत चाय हमारी चाय से थोड़ा अलग होते हैं। हम लोग चाय में दूध डालते हैं, लेकिन तिब्बत के लोग वहाँ चाय में नमक और सोडा मक्खन डालते हैं। तो ये सोडा खाने वाला है ना, और मक्खन जानते ही हैं। यात्री मैंने जिस घर में चाहे, तिब्बत में ऐसा था कि जिस घर में इतना सीधा साधा वहाँ के लोग था कि यात्री यदि जिस घर में चाहे उस घर में आसानी से किसी से कह कर कर करके और चाय बनवा लेता था। कोई वहाँ
मैंने डर भय नहीं था, या मैंने कोई वहाँ के लोग घृणा नहीं करते थे, या यात्रियों को घर से बाहर रहने के लिए नहीं करते थे, वो अंदर घुस कर कर करके भी आप अंदर में जा कर के जहाँ पर आपका रसोई घर है वहाँ आप स्वयं भी बना सकते हैं। कब? ऐसे जब अगर मान लीजिए कुछ मक्खन दिए और अगर आपको शंका हो गया कि मक्खन चुरा लेगा, तो आप स्वयं जा कर कर करके और चाय खुद बना सकते हैं, है ना। उस घर के बहू या सास को अगर आप बोलते तो वे भी चाय बना कर करके दे देती थी। दोनों ने वहाँ पर चाय का आनंद लिया और वहाँ से आगे थोडला की ओर रवाना हुए, क्योंकि जाना था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें बहुत अच्छा लगा। कहाँ? थोंडला, थोडला है ना, बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ रहने का बहुत अच्छा स्थान मिल गया था। अच्छा लगा मतलब स्थान मिल गया था। काहे भाई, क्यों स्थान मिला? ये लोग भिखारी के भेष में थे। सुमति का वहाँ बहुत से यजमान थे। सुमति चूंकि बहुत भिक्षु था, उनका मित्र सुमति जो था बहुत भिक्षु था, और बहुत भिक्षु का वहाँ बहुत सम्मान होता था, और खास करके सुमति के बहुत से यजमान थे। वे लोग समय से पहुँच गए थे, हालांकि वो भिखारी के भेष में थे, लेकिन वह क्यों मिला? सुमति के कारण अच्छे जगह मिले थे। लेकिन वही जब 5 साल के बाद वहां लौटे, वापस आ रहे थे, तो वहां रहने का कोई स्थान नहीं मिला। जबकि उस समय सूट बूट और अच्छे तरह से तैयार थे, सज्जन के भेष में थे, इसके बावजूद भी नहीं मिला। अब प्यारे बच्चों, और वहां शाम को क्यों उनको नहीं मिला? वहां शाम के लोग जो थे सभी छम पी करके के मदमस्त हो जाते थे, क्योंकि पहुंचे थे कब? शाम के समय। अब शाम के समय सब छम पी करके, छम क्या होता है? एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। उस समय जब कोई पी लेता है तो उसको किसी चीज का पता नहीं चलता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे क्या कहना है, और वहां सब पीते उस नशीला पदार्थ को। तो और वह स्थान जो डंडा वाला स्थान था, बहुत खतरनाक था स्थान था, डंडा स्थान बहुत खतरनाक स्थान था। वहां डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान था, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। डाकू हर समय हथियार लेकर के चलते रहते थे और यात्री को पहले मार देते थे, इसके बाद वे लोगों से लूट लेते थे, उनसे लूट लेते थे। वे पहले मार देते थे, ये नहीं देखते थे कि उसके पास क्या सामान है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां हथियार सभी के पास होते थे, उसको भय लगता था कि छीनने के क्रम में उसके पास भी हथियार यदि हो तो पहले वो हम ही को मार देगा। इसी भय से यात्रियों से पहले छीनते नहीं थे वे लोग डाकू, पहले उसको जान ही मार देते थे और तब उसके बाद सामान छीनते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, लेखक
को कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि वे भिखमंगे के भेष में थे, लूटने का उतना डर उनके पास नहीं था। और भिखमंगा से कोई लूटता है? रास्ते में जहाँ उनको महसूस होता था डाकू जैसा आदमी मिलते, तो ये दोनों क्या करते कि टोपी उतार कर करके उसी से भीख मांगने लगते थे। आगे इस तरह से बढ़ते चल गए। आगे बढ़े तो वहाँ चढ़ाई देखे, चढ़ाई देख कर करके लेखक काफ़ी डर गए। लेखक को लगा कि यहाँ बहुत चढ़ाई है, पैदल तो पार नहीं हो सकेंगे। उन्होंने अपने मित्र सुमति से कहा कि मित्र, यहाँ से हम लोग चढ़ न पाएंगे, इसलिए कोई उपाय करो। तो वे दोनों मिलकर एक एक घोड़ा अर्थात दो घोड़े का प्रबंध किया और अगले दिन घोड़े पर वहाँ के लिए निकल पड़े। रास्ता तो बहुत दुर्गम था, बहुत सी कठिनाई आई, लेकिन जब ऊपर पहुँचे तो लगभग मैंने ऊपर मतलब 1700 फीट लगभग 17000 फीट लगभग, कितना 17000 लगभग फीट समझ सकते हैं। ऊपर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख बहुत अद्भुत था। वहाँ का नज़ारा है ना, एक तरफ क्या चीज है, क्यों नज़ारा अद्भुत था? क्योंकि वह स्थान जो था वहाँ डांडी के देवता उस चोटी पर उन्हीं का एक स्थान था। और इसके साथ साथ एक तरफ मतलब हिमालय बर्फ से ढकी पूरा एकदम ढकी हुई थी और दूसरे तरफ हरे भरे इलाके थे। और वह तो बौद्ध का बौद्ध के देवता अर्थात डाड़ी का देवता का वह स्थान था, बड़ा सुंदर लग रहा था। वहाँ पहुँचकर दोनों की थकान उतर गई, कुछ समय वहाँ विश्राम करने के बाद वापस चल पड़े। वापस लौटने के समय लेखक का थोड़ा घोड़ा सुस्त पड़ गया। फिर सोचा कि यह घोड़ा चढ़ाई के कारण थक गया है और इतना सुस्त चल रहा था घोड़ा कि लग रहा है कि घोड़ा माने आगे के बजाय पीछे ही भाग रहा है। वो कभी कभी माने पैर से हल्का उसको इशारा करते थे तो घोड़ा और भी, प्यारे बच्चों, पैर से इशारा करने के बाद घोड़ा और भी सुस्त चलने लगता था। जैसे ही वे कुछ दूर धीरे धीरे चले तो उनको मैंने आगे बढ़े तो दो रास्ता मिला। उनको पता नहीं था, उनके पास न तो कोई हाथ में उनका कोई नक्शा वगैरह भी नहीं था कि किधर जाना है। तो वे अंजाद से बाईं वाले रास्ते पकड़ के चल दिया। जब 1.5 किलोमीटर वे गए तो किसी से पूछे तो कहा कि ये जो है लोन कोहर की रास्ता दहिने वाला था, लोन कोहर की रास्ता दहिने वाला था। फिर उस जगह से वापस गए और दहिने रास्ते पकड़कर आगे करीब 1 मील ही गए तो देखे कि सुमति उनका इंतजार कर रहा है। शाम 4-5 बज चुके थे। सुमति को तो गुस्सा आएगा ही, गुस्सा से मुंह एकदम लाल हो गया था और मंगोल का मुंह ऐसे भी लाल होता है,
वे पूछे कि इतना देर क्यों कर दिया। तो लेखक कहे कि अरे मेरा घोड़ा तो देखो ना कितना सुस्त चलता है। कहा कि घोड़ा बहुत सुस्त चलता है। ये बोले कि तुम्हारे इंतजार में मैंने दो टोकरी उपला जला दिया। उपला क्या होता है जानते हो, गोइठा जिसको कहते हो, है ना, माने गोबर गाय या ये सब का जो है वो जला कर करके गर्मी के अरे ठंडा के कारण उसको फूक जाले, और तीन तीन बार चाय गर्म किया, तुम्हारे इंतजार करते रहा, तुम इतना विलंब से आया। लेकिन जब लेखक नम्रता से बोला और कहा कि मेरा घोड़ा तो सुस्त मिला और मैं तो सोचा था कि रात में पहुंचूंगा, परंतु अहो भाग्य था कि मैं शाम को ही पहुंच पाया, ये सब सुन करके सुमति ठंडा हो गया। उसका स्वभाव ही था, जितना जल्द वह गुस्सा होता था उतने जल्द वह ठंडा हो जाता था। लंकोर में भी अच्छी जगह ठहरी, सुमति की जान पहचान थी, सुमति के भी यहाँ अच्छे जजमान थे, क्योंकि ये सुमति के कौन थे, बहुत भिक्षु थे, और भी बहुत भिक्षु रहने के कारण इनका चारों ओर फेमस फेम था, माने चारों ओर इनका क्या कह सकते हैं मान आदर था, परिचित थे, और ऐसे भी बहुत भिक्षु को लोग मानते ही हैं जो बहुत धर्मनुवायी रहते हैं, है ना। तो पहले चाय और सत्तू खाया, वहाँ का एक भोजन है ना, चाय और सत्तू खाया। रात्रि में उन्हें थुप्पा खाने के लिए मिला। थुप्पा क्या होता है? थुप्पा तिब्बत का एक भोजन है, लोग जो खाते हैं जिस तरह से हम लोग कुछ खाते हैं, है ना, तो उन्हें थुप्पा खाने के लिए मिला। अब मैदानी भाग में हुए लोग थे और वह भाग जो था टापू जैसा दिखाई दे रहा था, उसी पहाड़ी में वह पहाड़ी क्या था केंद्रित, माने वह पहाड़ी केंद्रित समाधि हिल था, क्योंकि जो सबसे ऊंचा स्थान था, है ना, वह टापू की तरह दिख रहा था, और वह उस पहाड़ी का नाम क्या था, केंद्रित समाधि हिल, केंद्रित समाधि हिल था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत जजमान थे, कपड़े के पतले पतले चिड़ी बत्ती गंडे के गंडे, कोई क्या चीज के चिड़ी बत्ती के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, इतना लिए हुए थे। चिड़ी बत्ती के गंडे क्या होते हैं, क्या करते हैं कि बहुत भूखे बोध गया से कुछ कपड़ा उतार लेते हैं और वहाँ बौद्ध मंदिर में वहाँ पूजा करते हैं और उसको मंत्र के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ा कर देते हैं, और वह क्या माने कपड़े बौद्ध अनुयायियों को दिया जाता है जो प्रसाद की तरह होता है, उसको लोग वह कपड़ा को बहुत माने तबीज की तरह बहुत अच्छे तरह से वे रखते हैं, बहुत सम्मान के साथ रखते हैं। लेकिन सुमति क्या करता था कि जब खत्म हो जाता था तो किसी दूसरे कपड़े से गंडा बना लेता था। लेखक सोचा कि यहाँ
गंडे बांटने में इसको बहुत दिन लग जाएगा। तो वह सुमति से कहा कि ये आपको तो बहुत समय लग जाएगा, एक काम करो, जिस गांव में ठहरना है तो वहां के लोगों को केवल गंडा बांटो, और जो इसके बदले में तुम्हें जो नुकसान होगा, तो इसके बदले में जो नुकसान होगा उसका भरपाई करने के लिए लहासा चलोगे तो तुम्हें पैसा दे दूंगा। सुमति कहा कि ठीक है, चलो तुम्हारे बात मान लेता हूं। दूसरे दिन चलने के लिए भरिया ढूंढने की कोशिश करने लगा। वहां भरिया क्या होता है, भरिया सामान उठाने वाला आदमी होता है ना, वहां के लोग भाषा में भरिया लोग कहते हैं, सामान उठाने वाला आदमी। लेकिन कोई भरिया नहीं मिला, ऐसे ही वे सामान लेकर के चल दिए। तिब्बत के 10-11 बजे धूप और भी तेज हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां सीधी धूप पड़ती है, सूरज की एक ओर मुंह कर करके सूरज की ओर मुंह करके चलना था, क्योंकि चलने का रास्ता वही था जिधर से सूरज का धूप आ रहा था, उधर की ओर चलने का वह रास्ता था, तो इसलिए ललाट पर ही धूप लग रहा था, और लग रहा था कि आगे वाला भाग एकदम जल रहा है, और ठंडे हवा पड़ने के कारण पीछे का एकदम भाग बर्फ हो रहा था। वाह, वहाँ का नज़ारा गजब था, माने आगे पूरा एकदम गर्म से जल रहा है और पीछे एकदम ठंडा लग रहा है। अपना सामान पीछे ले लिए, पीठ पर लाद लिए, और डंडा हाथ में लेकर के चल दिए, और सुमति के परिचित तेंद्रित में भी थे, जहाँ पहुँचे तेंद्रित में, तो वहाँ पर ही सुमति के परिचित थे, किंतु किसी और से वे मिलना चाहते थे तेंद्रित। तो बहाना बनाकर शेखर बिहार की ओर चल दिया। तो तिब्बत में ऐसा होता है कि जमीन के जागीर, जमीन का बंटवारा दूसरे ढंग से है, वहां जागीरदारों में बटा हुआ जमीन है। जमीन किस में बटा हुआ है तिब्बत में, जागीरदारों द्वारा बटी हुई है जमीन, और जमीन का हिस्सा जो जमीन पर उत्पन्न हो मैंने उपज होता है उसका जो मैंने उपज होता है उसका कुछ हिस्सा या उसका कुछ लाभ किसे, मठों को दे दिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में मठ वहाँ है, मतलब वहाँ मैंने जिस जागीर में रहेगा वहाँ पर मठ एक जरूर है। तो और जागीरदारों के लिए बहुत भिक्षुक जो होते थे वो राजा से कम होते थे, बहुत मान आदर होता था जागीरदारों के लिए, बहुत भिक्षुक राजा से कम नहीं होते थे। शेखर बिहार के नम से मुखिया को कहा जाता है, वे लोग मिले शेखर बिहार के नमसे से मिले, अर्थात मुखिया से वहां से मिले, और लेखक को लगा बातचीत के दौरान, पहले तो लेखक को ये लगा कि हम भिखारी के भेष में हैं, अब हमको वहां मान आदर होगा या ना होगा, लेकिन जब वह नमसे इनसे बात किया तो नमसों को लगा कि ये लोग पात्र पुरुष है, अच्छे आदमी। तो लेखक भिखारी के भेष में थे, इसके बावजूद भी उन्हें बहुत आदर किया गया, सम्मान किया गया, प्रेम से वह मिला, आदर भी किए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर के हस्तलिपि के 203 पुस्तकें रखी हुई थी,
300 है ना, 203 पोथियां पुस्तकें है ना। तो वो क्या होता है कंजूर के, वो लेकिन थी हस्तलिपि, हाथ से लिखी हुई मोटी मोटी एकदम पन्नों में, तो उसमें बौद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश लिखे हुए थे है ना। किनके, वह क्या था, कंजूर के हस्तलिपि जो बौद्ध के बुद्ध भगवान के उपदेश का संग्रह था वहां। कितने पुस्तक, 203 पुस्तक रखी हुई थी। लेखक को तो किताब पढ़ने का बहुत ही शौक था, पढ़ने में बहुत आनंद मिलता था, बस किताब देखे और लेखक राहुल सांकृत्यायन आसन जमा लिए, आसन जमा लिए, किताब में घुस गए, मतलब घुस गए मतलब पढ़ने लगे। लेकिन प्रत्येक पोथी जो था लगभग 15-15 शेर की थी, क्योंकि मोटी मोटी पन्नी थी है ना। और इनको मैंने ये था तो एक काम चाहते थे, तभी सुमति अपने यजमान के यहाँ जाने की अनुमति मांगी। तो वाह, ये तो किताब पढ़ने में मग्न थे और उतने में सुमति अपने यजमान के यहाँ जाने के लिए अनुमति मांगी, तो ये बिना कुछ कहे कह दिए कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जाओ जाओ, अनुमति दे दी इन्होंने। सोचा कि सुमति को, लेखक को ऐसा लगा कि सुमति को यहाँ यजमान होंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक हम पूरे पुस्तक एकदम पढ़ करके समाप्त कर देंगे। लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर के बाद लौट गया। उनको लगा अब 3 गांव जाने के लिए अपना अपना सामान पीठ पर उठा लिए और भिखारी ये भिक्षुक नमसे से जो मैंने विदा लेकर करके और वे चल दिए। इस प्रकार से राहुल संस्कृत्यायन का ये मैंने यात्रा समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, जो मैंने समझाया इस यात्रा वृत्तांत को, एक बार पुनः अपने से अध्ययन कर लेंगे, जिससे आपको मैंने पूर्ण रूप से दिमाग में आ जाएगा और प्रत्येक बिंदु को मैंने समझाने का प्रयास किया और आप इसे पूर्णतः समझे। तो प्यारे बच्चों, इसका प्रश्नोत्तर भी आप कर लेंगे, जो आपका दिक्कत होगा मैं उसे समझा दूंगा, उसका प्रश्नोत्तर मैं बता दूंगा। धन्यवाद।